बहुत धन्य है आप लोग। मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विद नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता पर जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। हाँ, अगर पान बेचते तो चौरसिया जरूर रख। एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं, सिर्फ एक शब्द है, नमाज। वाह, सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शब्द नमाज भाषा कौन सी है, इंग्लिश है कि उर्दू है कि अरबी है कि क्या है, ये भाषा कौन सी है ये, अगर चौरसिया जी बता दें तो उनका अभिनंदन है। बहुत सुंदर, आज तो आपने लगता भिगो भिगो के देना तय कर लिया है। मौसम नहीं है भीगने वाला। ये लखनऊ है भैया? हाँ जी, अरे मुझे मालूम है उनको, मैं जानता हूँ, पांडे जी हैं वो। जी, वो पांडे जी हैं, मुझे मालूम है। मैं पांडे तो मैं भी हूँ, ब्रह्म जो सो जाने ब्रह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्रह्मण, ब्रह्मण कोई ऊपर से। तो आपने कहा जहाँ पे आपने छोड़ी थी बात, वो हाँ शब्द है नमाज। नमाज जी एक शब्द है, और ये प्योर संस्कृत का शब्द है। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, इंग्लिश में प्रेयर, और संस्कृत में नमाज। क्यों? इसको संधि विच्छेद कीजिए, नमः धन अज। नमः, नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सज्दा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना, उसको उस प्रभु के चरणों में कंप्यूटर को रख देना कि हे प्रभु तू ही सबसे बड़ा है, और तूने इस मनुष्य को बनाया है, इसका आविष्कारक तू ही है, तेरे चरणों में हम समर्पित है, इसलिए आज हनुमान को नमन करना। और ये हुआ नमाज। एक मिनट, मेरे माथे पे थोड़ा। आपने कहा कि 18 पुराण, 14 रामायण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 रामायण, 108 उपनिषद। जब बैनर लगते हैं दुर्गा जी के महोत्सव का, लिखते हैं श्री 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 108 दुर्गा महोत्सव। अब 108 के बारे में लोग नहीं जानते, 108 वो छोटे छोटे कोटेशन हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस प्रभु ने भेजे हैं। वो 108 पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन आपने कहा 18 पुराण के नाम आपको पता है और वेद भी पता है, सब पता है। ऊपर वाले की कृपा है, ये लोगों की सेवा की तुम्हें मिला है, ज्ञान तो किसी के बाप का है नहीं, जो ग्रहण करना चाहे ले ले। पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये हुनर आया है। बेशक, सही कहा आपने, मैंने सही कहा शायद। तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। विष्णु पुराण से कल्कि पुराण तक आपने 18 पुराण के ना, वेद भी। और आप मक्का होया है? हाँ, मक्का भी हुआ है 2 बार, और 3 ब्रह्म मृत्यु नास्ते, मृत्यु नास्ते, नास्ते किंचन, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन किंचा भर भी नहीं, एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं। तो जब आप रामचरितमानस में आए तो फिर क्या अच्छा लगा? अब रामचरितमानस की 1-2 कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने। जी बिल्कुल, बड़ा बड़ा नाम है। हाँ, नारायण चकबस्त लखनवी, वो लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी में। हाँ, कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप, हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। जब जाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के त्रिवचन को पूरा करने के लिए, तो पिता से जाके आज्ञा लेते हैं, पिताजी अब हम जाओ, आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, और माता को जो आपने, सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं, आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो उस वक्त का दर्शन वो लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। पहली मंजिल खत्म हुई और बाप से आज्ञा लेके और वनवास के लिए जा रहे हैं, और जब माता जी के पास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही, और जब उससे पूछा, उनसे इजाजत ली, तो कहने लगी कि मैं खुश हूं, फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को, जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को, क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा
वही उत्तराधिकारी होता था, सब छोड़ के चले गए। क्या आज भी कोई बेटा है? तो इस राम के जीवनी से ये सबक लेना चाहिए। आचार्य जी, आपने तो आचार्य अब बिल्कुल अब इसके आगे अब आप हमसे क्या कहवाएंगे? बस ऐसे दोनों सच में ये है कि दोनों आंखों से जलधार बह रही है, और शायद निषाद राज ने भगवान के जब चरण पखारे होंगे तो शायद यही रहा होगा दृश्य। निषाद राज ने यही पूछा जब गए जो उत्तराधिकारी हुए थे और तलाश करते गए, निषाद राज ने पूछा प्रभु आप कहाँ? कहने के अपने भाई को ढूंढने। फर्जी ने कहा तो कहने भाई को ढूंढने के लिए पूरी फौज लेके आए हो? अब फौज लेके आओ तो इसके माने तो आप उनका बिल्कुल खात्मा ही करने आए हो? कहा नहीं, अपने भाई को लेने आए हैं। अगर वो नहीं गए तो हम उनके चरणों में जो चीज है खाऊं उसी को ले जाके रखेंगे सिंहासन में, फिर राज करेंगे। चूंकि रामचरितमानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है? सबसे ज्यादा तो यही भाती है कि बिन पक चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म बिन नाना, आनंद ही सकल रस होगी बिन मारी वक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। और उस राम को कब याद करते हैं? उस राम को याद करते हैं जब अर्थी उठाई जाती है। क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जो पूजा और अर्चना उपासना करते थे, जिस राम की वही राम सत्य है। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति और कल्याण छुपा है? उसको जो जान ले उसका जीवन सफल है। ये जीवन प्रभु ने दिया है, जीवन दिया है सुंदर बनाने के लिए। ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि व्यर्थ कर ले। दिल्ली की तरफ बारे में सुनाएंगे हम दोष है आपकी शान में। बताना चीज क्या, लोगों को सेवा दे रहे हैं आप और इतनी तगोदो और मेहनत कोशिश कर रहे हैं। शिला तो असल को प्रभु देगा परमेश्वर, इंसान कुछ नहीं दे सकता। इंसान तो तालियां पीट के वाह वाह कर देगा बस। हम दो शेर आपको सुनाते हैं आपके सामने, और सुनिए आप जी। अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पलकें संवार लूं, अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पलकें संवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं। क्या बात है, क्या बात है। हो आईना तुझे आईने में उतार लूं, मैं तमाम दिन कथका हुआ है। क्या बात है। तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लो। क्या बात है चाचा, ये 72 साल की आवाज है, अब 18 साल में कैसा रहा होगा चाचा के साथ। ये लखनऊ का अंदाज है हुजूर, ये लखनऊ का अंदाज है जिसमें चोहल भी है, संजीदगी भी है, इल्म भी है, और इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने के लिए सबक भी है जी। अब हमारे इस जगह जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हड्डी डाल दो तो खूब लड़ते हैं, अगर अगर कहीं खीरा ककड़ी और कोई चीज डाल दो तो नहीं लड़ेंगे, हड्डी पे लड़ेंगे सब। उनके बारे में भी दो शेर सुन। बहुत बहुत इरशाद। ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है, ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है, एक जाम छलका है और एक जाम खाली है। मालदार होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, वारे देश के चलाने वाले लोग। और दूसरा भी शेर सुन लीजिए इसके साथ। जख्म पत्ता पत्ता है और दर्द डाली डाली है, हर तबका परेशान, हर आदमी परेशान, हर घर में परेशानी। जख्म पत्ता पत्ता है और दर्द डाली डाली है, ए मेरे चमन आखिर कौन तेरा माली है। सब परेशान है,
मगर कोई इस परेशानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं।